जय श्री श्याम बाबा की। तो आप जुड़ गए हरियाणा के पानीपत के गांव चुलकाना धाम। तो सभी के सभी सबसे पहले जय श्री श्याम बाबा की लिख दे। तो आप जो ये कमरे देख रहे हैं ये अतिथि गृह है, जो बाहर से आते हैं। यहाँ पर 20 कमरे आप लोगों को मिल सकते हैं, आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। तो आप मंदिर का लाइव नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर ये श्री श्याम बाबा का कुंड है, जो कि बारिश से काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी भर चुका है। बच्चे नहा रहे हैं और काफ़ी आनंदित हो रहे हैं। पार्क के अंदर भी काफ़ी पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो दिए लग रहे हैं, पहले अंदर लगते थे तो दिए की बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसी वजह से दिए और धूप बाहर लगाए जा रहे हैं खुले वातावरण में। आज काफ़ी संख्या में भक्तजन आए हुए हैं और जितनी संख्या तादाद में आते हैं उससे थोड़ी काफ़ी संख्या कम है, क्योंकि बारिश आज काफ़ी चली हुई थी रात की, तो जो दूर दराज से भगत आते थे वो नहीं आ पाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आसपास के भगत थे वही आ पाए हैं। तो जो ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष नहीं, ये भगवान श्री श्याम बाबा के बाण के द्वारा छेदा गया वो पीपल का पेड़ है, और वो बाण हर पत्ते को चीर कर श्री कृष्ण भगवान के कदमों में जाकर रुक गया था। अगर भगवान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे एक पत्ता रह गया था, तो आप लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। तो हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि जल्द ही श्याम बाबा की जय हो। तो अभी दो तरफ से स्टील की ग्रिल लगा दी गई है और एंट्री है, एक तरफ से वहां से हो रही है और दूसरी उससे राइट और लेफ्ट से हो रही है, और बीच में तीन लाइन जाती हैं, और उसके बाद फिर श्याम बाबा के आगे से एक लेफ्ट और एक राइट में भगतजन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कलावे बांधे जा रहे हैं वृक्ष को। आसपास के सभी भगतजन आए हुए हैं। तो जो ये वृक्ष है, पेड़ है पीपल का, यहाँ पर जो भी कलावे बांध कर अपनी मनोकामना मांगता है श्याम बाबा जी उसकी जल्द से जल्द मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो आज जो रेलिंग लगाई गई है, रेलिंग में काफ़ी छीड़ है, क्योंकि भगत जन है मंदिर के पास ही एंट्री हो रही है, इतने आए हुए नहीं हैं। श्री श्याम बाबा का कुंड यहाँ पर है, मंदिर के अंदर ही है परिसर के। किसी को मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये संपर्क सूत्र नंबर दिए गए हैं, आप इस पर भी कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये अपना श्याम कुंड, यहाँ से अपने श्याम कुंड के अंदर जाया जाता है। श्याम कुंड में स्नान करके अपने सारे रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। ये आ गए अब यहाँ पे अपना श्याम कुंड। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे श्याम कुंड में नहा रहे हैं, गर्मी का आनंद ले रहे हैं।